गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अद्वैत, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग अद्वैत, गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग एवरीवन फॉर दिस सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों ने कल पढ़ा क्या था? कल आपने पढ़ा था फैजान रूल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैजान रूल। फैजान रूल के बेस पे हमने क्या करना था? फैजान रूल के बेस पे हमें पता करना था कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से कि बताओ NaCl और CuCl, इसमें बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? विच वन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, बताओ NaCl या CuCl? हाँ देवकर, वेरी गुड। और इसके अलावा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है किसका ज्यादा होगा? आदिति सही है और सुचित्रा सही है। सिद्धि मिस कर गई, मनाली मिसिंग। देखो आपको मैंने क्या कहा था, रुजुल सही है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली? हाँ ईशा बिल्कुल सही है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली थी वो? CuAg, कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा? तो ये कौन है? ये कॉपर। तो अगर कॉपर होगा तो वो जनरल वालों से ज्यादा होगा। कॉपर वाला होगा तो वो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर उसका औरों से ज्यादा होगा। तो कौन आगे आएगा? आगे क्या था इसमें? जिन कनेडा होगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसका नॉर्मल वालों से ज्यादा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वालों से इनकी इनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। अगर मैंने कहा इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, विच वन इज मोर सॉल्युबल, यानी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, वन या टू? रिप्लाई फास्ट, वन या टू? अदिति, देवकर, वेरी गुड। मनाली मिसिंग कर गया आप दोनों में। पार्थ पाटिल, सुचित्रा, यस वेरी गुड। पृथ्वीराज, देखो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर, हाँ मनाली सही है बिल्कुल, जो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, यह शंभुकर बिल्कुल सही आंसर। तो ये है कॉन्सेप्ट, देखो इसे याद करना है, ये एक टर्म का नहीं है, ये बहुत बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो रिपीटेशन इज देयर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखो कि सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर की अपोजिट, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उतना सॉल्युबिलिटी कम। अगर मैंने इसमें कहा आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताओ वन या टू? पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, देवकर, अदिति, वेरी गुड। सार्थ, सुचित्रा, मनाली, अद्वैत, देखो रुजुल बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज, अनुजा। देखो इसमें क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी का भी सेम टर्म्स है कि अगर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा यानी शेयरिंग ज्यादा हो रही है तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखो ट्रिक जो सिंपल टर्म्स क्या होता है, जो यहाँ पे वो था, फिर से बता देता हूं मैं आपको, ये अगर डी ब्लॉक होगा जो जनरली कौन से होते हैं, इनर्ट पेयर वाले होते हैं, इनर्ट पेयर वाले नोबल गैस जिसे कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले, इनमें क्या होता है, कौन आगे आएगा? कौन का मतलब कॉपर, आगे मतलब सिल्वर, आएगा मतलब गोल्ड, गोल्ड AU, AU फॉर गोल्ड, कौन आगे आएगा? फिर ZN, जिंक, ZN, जिंक, CD फॉर कैडमियम, कौन कौन आगे आएगा, जिन कनाडा होगा, HG फॉर मरकरी, HG फॉर मरकरी। ये ऐसे एलिमेंट है जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर औरों से ज्यादा होगा, जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर औरों से ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पे CU है तो CU का जनरल वालों से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है।
तो कोवेलेंट करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। एक और बताता हूं आपको, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फिर हम आगे का टॉपिक लेते हैं आज का, ठीक है? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें MgCl2 एंड ZnCl2, कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा? कोवेलेंट करेक्टर, विच वन हैज मोर कोवेलेंट करेक्टर? हाँ, वेरी गुड अदिति, सुचित्रा और सिद्धि, वैभवी, सार्थ, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किसका होगा, कौन आगे आएगा? मनाली, पार्थ, अनुजा। तो इसमें देखो ये कौन सा है, ये आपका जिन कनेडा, जिन कनेडा होगा, जिन जेडन, जेडन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमजी। तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, 2:1 के कंपैरिजन। अगर मैंने कहा सॉलिडिटी किसकी ज्यादा है, सॉलिडिटी, विच वन हैज मोर सॉलिडिटी, वेरी गुड सुचित्रा, अदिति, देवकर। समझ में आ गया आपको ये? आज आपको इसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप करने के लिए, ठीक है? तो यू हैव टू डू क्वेश्चन मनाली। हाँ सही है मनाली, वेरी गुड। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट है आपके, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन आपने पढ़े हैं लेकिन थ्योरी नहीं आती है क्वेश्चन में। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर आप कैसे करोगे? तो यू मस्ट हैव टू लर्न द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते, फिर मैं क्वेश्चन आंसर आगे हम डिस्कस करेंगे कभी। अब नेक्स्ट है, देखो आपको बताया था मैंने कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल एंड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल के भी दो टाइप्स थे, एक था डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड एक था ट्रिपल कोवेलेंट, ठीक है? तो सिंगल का मतलब क्या हुआ, सिंगल मतलब वन, सिंगल का मतलब वन, यानी कि जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ध्यान रखना। तो सिंगल की डिफाइन क्या होगी, देखो सिंगल से ही मैं डबल और ट्रिपल की डिफाइन करवा देता हूं, मैंने कल भी लिखा था आपको सिंगल की डिफाइन, सिंगल का मतलब हुआ वन, यानी कि जिसमें वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो द कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट्स, ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, या वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश लाइन, एक डैश लाइन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड सिंपल है कि जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए थे देखो, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यही आएगा, एक्चुअल में कोवेलेंट आपके पास बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, अब इसके बाद कोवेलेंट ही चलेगा, क्योंकि जो आयनिक है बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा ट्रिक है नहीं, जो आपका कोवेलेंट है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल का मतलब क्या हुआ कि जो हर एक एटम है, ईच एटम, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सिंगल। एग्जाम्पल के लिए देखो, हाइड्रोजन का किया था हम लोगों ने, हाइड्रोजन आप लोगों ने कल कई आंसर दिए थे कई लोगों ने, तो हाइड्रोजन के बेस में क्या होता है, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करते, हाइड्रोजन के पास ही वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर इसका और एग्जाम्पल है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, HCl, ये लिख लेना आप लोग, कल भी लिख करवाया था मैंने आपको। तो ये सिंगल के, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जस्ट हम इसके बाद, तो ये सिंगल है। अब सिंगल के बाद आते हैं मिंगल, मीन्स डबल पे, ठीक है? डबल कोवेलेंट, डबल में यहां चेंज कर दो बस, जहां पे आपने लिखा था कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या द बॉन्ड इन विच
कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट टू टू इलेक्ट्रॉन, वन की जगह पे टू, डबल मतलब क्या होता है, डबल मतलब टू, सिंगल मतलब वन। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल का एग्जांपल कौन सा है, मल्टीपल का मतलब मोर देन वन, हाँ मल्टीपल अगर आ गया मोर देन वन तो इसीलिए डबल ट्रिपल, हाँ वेरी गुड अद्वैत आदित्य गवास। तो यहाँ पे देखो डबल मल्टीपल का मतलब मोर देन वन, अगर मल्टीपल लिखना चाहो तो मैं इसे लास्ट में लिखा दूंगा, द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इन विच क्या होगा, कितने से शेयरिंग हो रही है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो टू टू इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स, ये कल भी किया था हम लोगों ने, इसके बाहर भी सिक्स होते हैं। अब इसको भी दो इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन है जो आपका वो है टू एंड सिक्स, ठीक है, ऑक्सीजन इज टू एंड सिक्स, तो ये बन गया। अब इसके पास देखो टू फोर सिक्स एट, इसके पास भी टू फोर सिक्स एट, दोनों खुश हो गए और दोनों की पावर बराबर है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में रहेगा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डबल से। इसका मतलब डबल बॉन्ड का मतलब टू पैरेलल लाइन, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब टू पैरेलल लाइन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ओ टू एन ई, एक मिनट, अच्छा नियोन, नियोन हाँ ऑक्सीजन का नियोन बन जाएगा, ओके ऑक्सीजन नियोन बन जाएगा, यानी कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाता है, हर एक चाहता है कि भाई वो स्टेबल हो जाए, और उसके स्टेबल कौन सा है, जो नियरेस्ट नोबल गैस। आप लोग क्या चाहोगे कि आप लोग भी बड़े होके क्या हो, कोई बहुत अच्छे स्टेबलिश में चले जाओ, बहुत कोई एक्टर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, क्या होगा, एक नियरेस्ट जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसे अचीव करना चाहोगे आप, तो हर एक यही चाहता है, ऑक्सीजन भी यही चाहता है। ऑक्सीजन के अलावा इसके पास और कौन सा एग्जांपल होगा, डबल बॉन्ड के भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे हम इसके बाद, जस्ट एग्जांपल ही करेंगे। अब आता है ट्रिपल का, ट्रिपल में देखो जहां पे क्या लिखा था हमने, दो दो इलेक्ट्रॉन लिखा था, वहां पे क्या लिखना है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल मीन्स थ्री, तो जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल खुद लिख लो, जरा डिफाइन भी खुद लिख लो, लास्ट में लिख देना थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन, ईच एटम कंट्रीब्यूट थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन। और इसका एग्जांपल अभी नाइट्रोजन मैंने कल बनाया था, इसको बनाना जरा नाइट्रोजन को, बनाया सबने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बना लिया, हाँ बना लिया। और इसके अलावा सोचो क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के अलावा और क्या हो सकता है, अभी देखो हम इसके बाद लैबिस स्ट्रक्चर पे आएंगे, उसमें हम बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसीलिए मैं इसे कम बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, हाँ अंश गांधी, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे वहां से क्लियर होगा, क्योंकि अभी दो दो के बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसके बहुत सारे बनेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, डबल ट्रिपल हो गया, तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पॉइंट आपको याद रखने, पॉइंट टू रिमेंबर, देखो इसको जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको डिनोट करेंगे थ्री पैरेलल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, ट्रिपल बॉन्ड इज डिनोटेड बाय थ्री पैरेलल लाइन,
जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने कहा था नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 की जरूरत है, और ऐसे नाइट्रोजन हो गए इसको भी 3 की जरूरत है, इन्होंने 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो इसको 3 ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे इस तरीके से, ये होगा नाइट्रोजन 1 2 3, 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखते हैं इसमें। जनरली जो पॉइंट टू रिमेंबर या मेन पॉइंट इसमें क्या है, पहला इसमें जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल ही कंबाइंड होते हैं, ज्यादातर आप देखोगे कि नॉन मेटल के साथ ही कंबाइंड होता है, हालांकि आगे इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड है, पर मैक्सिमम यही है कि नॉन मेटल। सेकेंड इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो इसके बीच में फोर्स लगता है उसको भी हम कई बार क्या कहते हैं, फोर्स बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी हम कई बार कोवेलेंट बॉन्ड से ही बोलते हैं। आप बोलोगे कि इसके बीच में, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा फोर्स है, तो जनरली हम इस फोर्स को कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा एटम्स के बीच में वो कौन सा बॉन्ड ही कहा जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही कहा जाएगा उसे। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, या अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इसके बीच में कोई चार्ज जनरेट नहीं होता, यानी ये बनाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज जनरेट नहीं होता है, पोलर का मतलब चार्ज आ जाना, तो इसमें चार्ज जनरेट नहीं होगा, थोड़ा सा भी, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दोनों की पावर बराबर होती है तो इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर एटम्स के बीच में क्या हो गया, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो आयनिक तो नहीं है, जैसे HCl। HCl में क्या होता है, देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाता है, हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं पोलर। पोलर का मतलब कहीं पे भी पोलर आएगा मीन चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है, तो जहां पे भी चार्ज होगा दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम और डिटेल से आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे केवल शॉर्ट शॉर्ट ही बताया जा रहा है आपको, ठीक है, इसे लिख लो आगे आएगा काम। और यहाँ पे आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इक्वल म्यूचुअल मींस होता है इक्वल शेयरिंग होना, ये नहीं है कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा 1 देगा, ऐसा नहीं होगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, अब आ गए हम लोग यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये सारे स्ट्रक्चर को लेविस ने रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए हम इसे कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ चीजें कही हैं, देखो जैसे जो भी हम दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, तो इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने कहा था जस्ट हम इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे, वन सेकंड थोड़ा पानी ले आता हूं। अब देखो जितने स्ट्रक्चर है आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई भी कंपाउंड का आप लोग क्या करोगे, आराम से स्ट्रक्चर बना सकते। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना इसको,
गौर से देखो जरा इधर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। यहां से लेके आगे जितना भी जाओगे हर एक का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, स्ट्रक्चर के लिए सबसे मेन क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है, सब चीज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। सेट सिनेमा, अच्छा कैमरा को क्या हुआ, दिक्कत आ रही है देखकर? अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ यहां से, इधर लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आप लोग हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दोगे। हर एक कंपाउंड कैसे, मैंने कहा आपको H2SO4, तो आपने देखा और जैसे देखा और यहाँ पे तुरंत इसका स्ट्रक्चर बना दो। मैंने कहा आपको HNO3, आपने ये देखा और यहाँ तुरंत इसका स्ट्रक्चर बना दोगे क्या होना चाहिए। कोई भी मैं आपको कंपाउंड दूंगा, मैंने कहा H2K2Cr2O7, जैसे आप देखोगे यहां से तुरंत इसका स्ट्रक्चर बना दो। यानी कि आपको एक टेक्निक बताई जा रही है जिससे क्या होगा, हर एक कंपाउंड का आप आराम से स्ट्रक्चर बता दो। तो इसके लिए देखो बहुत सारे थ्योरीज आए थे, एक थ्योरी ने बताया फिर वो फेल हुई, फिर दूसरी थ्योरी ने बताया फिर वो भी फेल हो गई, फिर तीसरी थ्योरी आई उसने कहा मैं बताता हूँ ठीक है, इसके बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। तो एक से एक बढ़कर थ्योरी है जो ये बताने की कोशिश कर रही थी ये स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए या ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ। ठीक है, तो हम एक वन बाय वन क्या करेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो थ्योरी थी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि लेविस ने आपको बताया था मैंने, इसने बहुत एफर्ट किया था इस फील्ड में स्ट्रक्चर के लिए, लेविस सिंबल भी है, लेविस ने रूल भी दिया था, कॉसेल लेविस अप्रोच रूल था। तो लेविस ने स्टार्टिंग जो की थी वो लेविस ने करी थी, तो उसने कहा कि देखो ये स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए और ये कैसे बनेगा। हालांकि बहुत मिस्टेक थी इसमें, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने कुछ ऐड किया हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, तो सबसे मेन फोकस इसने क्या कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे अभी मैंने कहा आपको Br2 बनाओ, अब Br2 में हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना हम देखेंगे Br2 कौन सी फैमिली का है, 17 ग्रुप का है। 17 ग्रुप का मतलब इसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, बस बाकी सब कुछ भूल जाओ, आगे क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ब्रोमीन देखा आपने, ब्रोमीन के बाहर कितने दिखा दिए, 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी ब्रोमीन है दूसरा, उसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ कि क्या था इसके आगे पीछे, ये बन गया ब्रोमीन। अगर मैंने कहा आपको सल्फर का, बहुत सिंपल सा है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने कहा आपको सल्फर है, सल्फर ध्यान रखना पड़ेगा, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का, जितने ग्रुप का होगा ये देखो 16 मतलब लास्ट में 6 है, 10+, तो इसके बाद 6, तो आपने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, कोई मतलब नहीं हमें अंदर कैसे, हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो ये ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ग्रुप देखो कौन सा है। जैसे मैंने कहा यहां से आपको एल्यूमिनियम या कोई भी ग्रुप का दे दिया आपको, मैंने दे दिया नाइट्रोजन, अब आपने नाइट्रोजन देखा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 का, तो इसके लास्ट में 5 होगा। यानी मैंने कहा आपको फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का, तो लास्ट में 5 होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रुप वाइज देखो, आपको ग्रुप वाइज में देखो ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 1 का 1, 2 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7 और 18 का 8। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक देख लो, कोई कंपाउंड कैसा भी होगा मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ग्रुप कौन सा है। आपको ग्रुप सारे लर्न करवाए हैं, जैसे मैंने कहा ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो 16 ग्रुप का है, तो इनके सबके लास्ट में 6 आएंगे, सबके लास्ट में 6, तो ऐसे ही ध्यान रखो ग्रुप
को याद कर लो, ग्रुप वन के लिए वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप टू के लिए टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 13 से आ जाओ, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 और 18 के लिए 8। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर कोई 18 ग्रुप का दिखता है आपको हीलियम को छोड़ के, तो उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें, आगे पूरा कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते ही बता दोगे आप लोग कितने होंगे, बताओ। आपको देखना है कंपाउंड को, देखते ही बता दो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। पीरियड वाइज याद है, व्हाट अबाउट द ब्लॉक? डी ब्लॉक थोड़ा सा अलग होता है। मैंने कहा था डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उसकी स्टडी क्या होती है, उसके लिए भी यही होता है, उसको उसके लिए भी ग्रुप वाइज ही होता है जनरली। ग्रुप वाइज कैसे, जैसे 3 का है, थर्ड ग्रुप का है तो 3, 4 ग्रुप का है तो 4, 5 ग्रुप का है तो 5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डी को भी आप लोग समझो, आप डी का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो डी में देखो, अगर आपको दिख रहा है कि ग्रुप वाइज, चलो डी का भी बता देता हूं, देखो डी में क्या है, अगर 3 ग्रुप का है तो उसके लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहर है 4 ग्रुप का उसके बाहर है 4, जिसके बाहर लिखा है 5 ग्रुप मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे 6 के लिए क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहां तक? बस थोड़ी सी ध्यान रखना किसके लिए, कॉपर और जिंक के लिए। कॉपर के केस में क्या होगा, 1, जबकि कॉपर कौन से ग्रुप का है, 11 ग्रुप का, तो 11 ग्रुप का 1 होगा और फिर 12 ग्रुप के लिए 2। बाकी सारा है देखो, 3 से लेके और 10 तक का सेम होगा, सॉरी 3 से लेके 8 तक का सेम होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कॉपर के केस में 11, हाँ 11 के पूरे ग्रुप में, 11 के पूरे ग्रुप में, और ऐसे 12 के पूरे ग्रुप, नहीं 11 का पूरा ग्रुप, 12 का भी पूरा ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक में थोड़े से वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, तो उसको जनरली हम यहाँ पे बहुत कम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, बिल्कुल सेपरेट आपको चैप्टर दिया हुआ है। रीजन क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ 9 और 10 का जैसे आपको किया मैंने स्कैंडियम यारी, सॉरी ये था आपका सीटी वाली कार में, सीटी वाली कार में फेंको निकुजन, ठीक है। कॉन्फिग्रेशन देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपके पास 3s2 and 3d1, फिर यहाँ पे था d2, यहाँ पे था d3, यहाँ पे था d4, यहाँ पे था d5, यहाँ पे भी d5 है, यहाँ पे है d6, यहाँ पे है d7, यहाँ पे d8, यहाँ पे d9 और यहाँ पे d10, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका 1, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके 5+1 इसका 6 है, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका कोबाल्ट होगा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन कैसे आ जाएगी, क्योंकि 7+2 9, तो यहाँ पे जनरली कोवलेंट बॉन्ड ये शो नहीं करता, इसके लास्ट में 7+2 है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड ज्यादातर बनाते नहीं है, क्योंकि मेटल होते हैं, तो मेटल कोवलेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करते, या करेंगे तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। इसका थोड़ा थ्योरी अलग है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है कोवलेंट का। अगर हम करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक से देखते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, नॉर्मल से अलग है, जो हम एक्चुअल में बनाते हैं इसका जो वे है वो इनसे अलग होता है। डी ब्लॉक ऐसे नहीं बनता जैसे हमने इसका एस और पी का बना रहे हैं, ऐसे डी का नहीं बनेगा, डी के लिए अलग थ्योरी होती है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ ए एस इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? हाँ वेरी गुड मनाली, अनुजा, सार्थ, ठीक है। देखो इसमें ज्यादातर जो आते हैं उनसे मैं पूछ, सार्थ बिल्कुल सही है, जो इसमें ज्यादातर आते हैं पूछे जाते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ओ पी एस, इससे ज्यादा पूछा जाता है। अंश गांधी, क्या कर दिया आपने ये, देवकर सही है। अब बताओ ऑक्सीजन में, बताओ ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ बिल्कुल सही है मनाली, सार अंश गांधी, सार्थ, अदिति, तो इसका 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा आपको फॉस्फोरस का कितना है, पृथ्वीराज सही है, वैभवी मनाली बिल्कुल सही, फॉस्फोरस का 5, आयुष सही है और वैभवी, सार्थ 5। अब बताओ सल्फर का कितना है, सल्फर, सल्फर हाँ वेरी गुड मनाली और वैभवी, अंश गांधी, आयुष बिल्कुल सही, सल्फर का 6, ये ज्यादा आएंगे आपके पास। कार्बन का कितना होगा, कार्बन पार्थ सही है, पृथ्वीराज सही है, अब अंश गांधी बिल्कुल सही, कार्बन का कितना होगा, देवकर, वैभवी बिल्कुल सही है। देखो देखते ही बताना है, वैभवी बिल्कुल सही, देवकर, प्रैक्टिस होती बस। मैंने कहा था आपको कि हम क्वेश्चन आंसर एक बार करेंगे जो बहुत कम टाइम में करेंगे, तो क्या है पहले बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए, और रुजुल बिल्कुल सही, तो इसके बाद आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो टाइम लगा रहे हैं हम अभी एक्सप्लेन करने में लगा रहे हैं बस, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले आपको क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है हर एक का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने देखा। सेकेंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना, ऑक्टेट टूल फॉलो करवाएंगे, ऑक्टेट टूल फॉलो होना चाहिए। अब देखो इसमें दो कंडीशन आती है, ऑक्टेट टूल के केस में दो कंडीशन, एक होता है यहाँ पे कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, और एक होता है यहाँ पे सेंट्रल एटम। जैसे मैंने कहा CO2, फॉर एग्जाम्पल CO2, तो CO2 ये हो गया, तो ये जो मिडिल में होता है जो सबको कनेक्ट कर रहा है इसे कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल मतलब जो बिल्कुल मिडिल में होगा, जिससे सारे एटम कनेक्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। और कॉर्नर मतलब ये वाले जो सेंट्रल एटम से अटैच है, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर एटम, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम होगा और जो कॉर्नर एटम होगा, तो वो कहता है देखो जो कॉर्नर एटम होगा ये मस्ट बी फॉलो, ये मस्ट बी फॉलो ऑक्टेट रूल, इसको फॉलो करना ही होगा किसी भी हालत में, लेकिन इसको हम छूट देंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है छोड़ दिया, ऐसे कोई बात नहीं, आज काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया सा है, ये क्या है, बहुत बेकार है, तो इसको हमने बोला रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको बोला चलो कोई बात नहीं, तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। ये ऑक्टेट टूल कई बार फॉलो करता भी है और कई बार नहीं भी करता, और नॉट, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं कई बार, यानी ये जो सेंट्रल एटम होता है ये कई बार क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इसके लिए छूट है। बोला चलो कोई बात नहीं, तुम सेंटर में हो, तुम सारी चीज को देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे लिख लो एक बार। और एक दो पॉइंट और बता, एक दो रूल मैं और बताता हूँ आपको, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिनटों में बता दो, ठीक है। 2-3 रूल है इसके, और उसके बाद आपको बिल्कुल जो भी क्वेश्चन मिलेगा, करप्स, हाँ करप्टेड, ओके। तो सेंट्रल एटम को पूरी छूट दे रखिए, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी आ सकती है करो आप, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। लेकिन वो भी यही कोशिश करता है कि ऑक्टेट पूरा करें, हर एक यही चाहेगा कि ऑक्टेट करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट ही हो। ये लिख लिया सबने, तो आगे बढ़ू मैं, रूल्स हैं इसके कुछ, और वो रूल्स को आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, फिर आप, मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम रह गया है, जैसे टाइम ऑफ होता है आपको सेम आईडी पे फिर से रिज्वाइन करना है, और आज आप ये सीख के जाओगे कि कोई भी अगर आपको कंपाउंड देंगे तो आप विद इन सेकेंड उसको क्या करोगे, उसको स्ट्रक्चर बना दोगे उसका। हालांकि ये पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, लेकिन मैंने मिक्सअप किया इसे अपनी तरफ से भी, ताकि आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो
फिर आप कहोगे यहाँ तो ऐसा था और यहाँ ऐसा क्यों है। रीजन क्या है उसका कि ये रूल ये थ्योरी उसे बता नहीं पाती, तो हम कैसे बता देंगे। लेकिन हमने मिक्स ऐसे कर दिया थोड़ा सा कि ताकि आपको मेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है उसमें, तो वो आपको स्ट्रक्चर दिक्कत ना आए, और वो भी बता देंगे कि वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था। देखो अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये जो रूल्स मैंने आपको बता दिया ये रूल्स है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि कैसे हम सिलेक्ट करें, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल एटम को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम कैसे बोलेंगे ये सेंट्रल एटम। अगर मैंने कहा आपको यहां पे दे दिया मैंने ICL, इन दोनों में से सेंट्रल कौन सा होगा, कॉर्नर का कौन सा होगा, तो दिक्कत आएगी, आएगी दिक्कत या नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे सेंट्रल एटम, तो आपको सबसे पहले ये दिक्कत आएगी कि कौन सा सेंट्रल एटम है। ठीक है, बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा सेंट्रल एटम हो सकता है। चलो मैं रूल बता देता हूं।